वेल हाय लवली लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं अपने नए फोन से नया व्लॉग शूट करूंगी, ठीक है। चलती गाड़ी है, हम लोग जा रहे हैं अपने गांव, ठीक है। मैंने अपना गांव आपका कभी नहीं दिखाया है, मेरे ससुराल, ठीक है। गांव है, वहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं सिर्फ, बाकी सब जो है वो अलग अलग सिटीज में रहते हैं, जहाँ जहाँ पर वो सेटल हैं, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं जलंधर से अपने गांव पिंड, तो वहाँ पे शादी है, शादी के लिए जा रहे हैं। तो आज आपको गांव की शादी दिखाएंगे कैसी होती है, ठीक है। मैं दिखाऊंगी आपको कैसी होती है। फिलहाल हम लोग रास्ते में हैं, 4-5 घंटे का रास्ता है जलंधर से अबोहर, बहुत लंबा रास्ता है और आगे हमें जाना है अपने गांव में, ठीक है। तो 2 घंटे हो चुके हैं हमें ऑलरेडी चले हुए, ठीक है। पर रास्ते में मेरे दिमाग में आया, कभी गाँव नहीं दिखाया आपको मैंने अपना, तो आज आपको अपना गाँव दिखाएंगे। देखिए नमन बैठा हुआ है हमारे साथ, ठीक है। और अभी तकरीबन 2 घंटे का रास्ता बाकी है, ठीक है। वहां पे पहुंचूंगी मैं सीधा शादी वाले घर में ही पहुंचने वाली हूँ। आज शादी नहीं है, शादी कल है, ठीक है। तो सीधा वहीं पे मैं पहुंचने वाली हूँ घर जहाँ पे शादी है, ठीक है। किसकी शादी है तो मैं बता दूँ, मेरे जो ससुर जी हैं उनके भूगोले भाई हैं, उनकी बेटी की शादी है, ठीक है। तो हम उसकी शादी में जा रहे हैं, तो चलिए मैं वहाँ पे पहुँच के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा माहौल है वहाँ पे, कैसा होता है गांव की शादी में, घरों का माहौल कैसा होता है, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाती हूँ। काफी देर हो चुकी है, 3-4 घंटे हो चुके हैं लगातार। कैन यू सी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ये ऑरेंज होते हैं, बाग होते हैं। सी मैं आपको, ओ गाड़ी बंद है, मैं आपको 1 मिनट खोल के दिखा दूँ। ये पूरा दूर तक आपको यही दिखेंगे बाग ही बाग, और गांव में भी जहाँ पे पिंड है हमारा वहाँ पे भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। हम लोग हमेशा वहीं से लेके आते हैं, किन्नू बोलते हैं हमारे पंजाबी में, आपके क्या बोलते हैं बताना मुझे। मेरी आवाज़ में भी थकावट होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूँ। टाइम बताऊँ मैं आपको कितना हो गया है, 1 मिनट, टाइम हो गया 5 बज चुके हैं। हम लोग 12 बजे से चले हुए हैं, अभी तक नहीं पहुँचे, एक बार रुके बीच में खाना वाना खाने के लिए, अदरवाइज नहीं रुके थे कहीं पर भी। हाँ बड़ा सुकून मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बाग बाग देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको गांव के भी दिखाऊंगी, ये तो मेन रोड है ना, बस पास में ही रह गया, थोड़ा सा रह गया अब तो। इसके बाद सीधे आपको घर की क्लिप भी देखने को मिलेगी जहाँ पे शादी है, मेरे जो मेरा हमारा जो गांव का घर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस बार, ठीक है। मैंने कभी शेयर ही नहीं किया, मैं आज मेरे दिमाग में आया, मैंने कभी अपना गाँव का घर ही नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, तो आज करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे इन दोनों की मस्ती चल रही थी, गांव का घर बस आने ही वाला था, ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे। गांव में ना बहुत सारी गायें वगैरह दिखती हैं, तो ये दोनों बस उन दोनों को देख देख के बस हंसी मजाक चल रहा था इनका काफ़ी, तो नमन मज़े ले रहा पूरे। सो गाइज, ये रहा हमारा गांव, ठीक है। ये देखो हमारे गाँव में बहुत सारे आपको आस पास किन्नू के ऑरेंज के बाग देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। ये बस गांव हमारा जो था वो थोड़ा सा ही रह गया था, तो मेन ये सड़क जाती है हमारे गांव तक, ठीक है। तो सारे यहाँ पे आपको यही मिलेगा, यहाँ तो कॉटन का यहाँ पे आपको मिलेंगे और एक आपको ऑरेंज का मिलेगा, दोनों ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत सुंदर लगता है। सीरियसली फ़ोन पे उतना ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा, बट अगर आप उतर के निकलते हो ना इन फील्ड में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो ये देखिए आसपास ये सारा कुछ यही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टावर देख रहे हैं ना, ये हमारे गांव का इकलौता टावर है जो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया, ठीक है। सो अभी हम पहुँच गए हैं घर पे जहाँ पे शादी है, ठीक है। तो ये है उनका घर, आई थिंक ये उनका बैक डोर था, पिछला घर, घर का पीछे का दरवाज़ा होता है ना, ये वो दरवाज़ा था। घर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा घर है, तो अगर मौका लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा गांव वाला माहौल है आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को, सब लोग बाहर मंजियाँ लगा के बैठे हुए हैं और आते ही देखो खातिरदारी। सच में गांव में जो आपको प्यार वगैरह मिलता है ना, वो सिटीज़ में उतना ज़्यादा वैसे नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन जो सम्मान और रिस्पेक्ट आपको यहाँ पर मिलती है ना, वो आजकल सिटीज़ में वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे 4-5 दिन से ऑलरेडी फंक्शन ही चल रहे हैं, ठीक है,
तीन तीन टाइम का खाना मिल रहा है आपको सुबह से लेकर शाम तक, आपकी केयर हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये चाय स्टील के गिलास में चाय आई थी, ठीक है, कैन यू इमेजिन। और चाय इतनी टेस्टी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है, बहुत ही टेस्टी थी। ऊपर से मैं थकी हुई थी तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। ये है मेरे मॉम, मेरी मदर इन लॉ, और ये जो कैमरा शेक हो रहा है ना, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शेक करते हैं, इनको व्लॉगिंग करनी नहीं आती है, ठीक है। और नमन भाई साहब आराम से बैठ के अपना फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा अंधेरा हो गया ना, तो छोटी छोटी क्लिप्स शूट करी हुई हैं। बाद में चाय बन रही है, कहीं खाना बन रहा है, यहाँ पर लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, दुल्हन से भी आपको मिलवाएंगे। वैसे हल्दी की रस्म अभी होनी थी जिसकी हम वेट कर रहे थे यहाँ पर बैठ करके, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको घर दिखाती हूँ पहले, तो यहाँ से अंदर से मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अंदर इतने ज्यादा गेस्ट हैं ना कि मैं खुद ही एम्बेरस हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये है घर, ठीक है। और अंदर काफी सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं, गांव के घर ऐसे ही होते हैं, अंदर रूम्स होते हैं। आपको बाहर भी चूल्हा चौका वगैरह मिल जाएगा, आटा पीसने वाली चक्की भी आपको यहाँ देखने को मिली। आई थिंक मैंने शूट किया था, मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। उस साइड पे आप देख रहे हो ना जहाँ पे येलो लाइट जल रही है, वहाँ पे खाना बन रहा था, ठीक है। साथ वाले घर में भी खाना बन रहा था क्योंकि जो पिंड में ऑलमोस्ट ऐसे होता है, भाई भाई के घर साथ साथ में होते हैं, तो एक भाई के घर में खाना बन रहा था और एक भाई में यहाँ पे शादी का सारा कुछ रस्में वगैरह जो थी वो चल रही थी। और चाय सच बताऊँ मैं, इतनी टेस्टी थी। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे चाय का स्वाद याद आ रहा है, ठीक है। मैं ब्लैक टी लेती हूँ लेकिन ये दूध वाली चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे नमन जी ना आराम से बैठ के मज़े ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा। और नमन की इतनी तबीयत ख़राब हुई, इसके बाद आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। मे भी ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत कुछ है इस एक ही ब्लॉग में, खुशी भी है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा परेशानी भी है। सो सब कुछ एक साथ ही आता है, देखिए भगवान आपको सब कुछ एक साथ में ही देता है। तो अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखिए, ये चल रही है हमारी हल्दी की तैयारी। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लगाया जा रहा है, आई थिंक ये उनकी कज़न सिस्टर हैं दुल्हन की, और जो सब कुछ डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बैठे हुए थे, ठीक है। ये देखिए दुल्हन के पास ना इतने सारे लोग बैठते हैं वहाँ पे। ये रही आटा चक्की, ठीक है, गेहूं पीसने के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको गांव जाओगे तो। हमारे गांव में आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो ये देखिए, ये घर वालों के लिए खाना बन रहा है, जो घर में मेहमान आए हैं, जो रिश्तेदार आए हैं, या कोई भी खाना खाने आया है जिनको बुलाया गया है, उनके लिए खाना बन रहा है बड़ी लोई के ऊपर। तो बहुत अच्छा लगता है, ये वाली जो चपाती होती है ना वो बड़ी स्वाद लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और जो खाना भी था ना वो बहुत ज़्यादा यम्मी था, बहुत यम्मी खाना था। बट मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम लोग ना बहुत सफ़र करके आए थे, इतना लंबा रास्ता था कि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी। आई डोंट नो सफ़र की वजह से क्या था, आगे चल के आपको पता चलेगा मेरे ब्लॉग में। तो ये है घर, दूसरे घर से, ये दूसरे घर में देखिए, मैंने आपको बताया था ना यहाँ खाना बन रहा है, तो यहाँ पे आपको खाने का सारा कुछ दिख जाएगा। सो दिस इज़ इट, ठीक है, आगे चलते हैं, आपको दुल्हन से मिलवा देती हूँ मैं अब, ठीक है। तो ये है हमारी प्यारी सी दुल्हनिया, ठीक है, श्वेता नाम है इसका। और ये मैंने इसके हल्दी लगाई थी, वीडियो किसी ने बनाई नहीं, फोटोज़ मैं आपको यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। ये हमारी शादी में भी थी और आज मैं इसकी शादी में आई हूँ। हाय गाइस, फाइनली आई एम होम, दिस इज़ माय रूम, ठीक है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं इस कमरे में आई थी, एंड बहुत अच्छा है, यू नो सी, पहली बार इसको शूट कर रही हूँ मैं, मैंने कभी इस कमरे को शूट नहीं किया है। फ़ोटोज़ हैं बहुत सारी बट कभी वीडियो नहीं बनाई है। तो हम लोग वहाँ से खाना खा के आए हैं, मैं आपने देख ही लिया, हम थक गए हैं। वैसे डीजे पार्टी भी थी लेकिन हिम्मत नहीं है मेरी, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, ठीक है, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, ठीक है। मम्मी उधर ही हैं अभी, मेरे मदर इन लॉ वो वहाँ पे ही हैं, वो इनको उनको मेरे हस्बैंड लेके आएंगे वहाँ से, ठीक है, थोड़ी देर में, क्योंकि उनका बैठना थोड़ा ज़रूरी था। बट हम लोग थक गए थे तो हम लोग पहले आ गए हैं वापस। नमन अपने दादू के साथ खेल रहा है उनके क्लिनिक में, बाय द वे मेरे जो ससुर जी हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनके क्लिनिक में वो बैठा हुआ है दादू के साथ, ठीक है। तो अभी हम करेंगे यहाँ पे रेस्ट अच्छे से और सुबह जाएंगे शादी पे अच्छे से तैयार व्यार होके। तो सुबह मिलूंगी अब मैं आपसे, ठीक है, क्योंकि अब तो कुछ नहीं करना है, ब्रेस्ट करनी है, ठीक है, उसको देख के आप क्या करोगे। तो सुबह मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे, हम लोग आ गए हैं शादी पे, ठीक है, और दिस इज़ माई आउटफिट और माई सैंडल, ठीक है, बेली, ठीक है।
तो आ गए हैं बारात, अभी आई है, हम लोग एक घंटा पहले आ चुके हैं क्योंकि मम्मी के क्लोज हैं तो हमें पहले ही आना था, तो इसलिए हम लोग पहले आए हैं। थोड़ा सा इंजॉइंग, थोड़े से स्नैक्स खाए हैं। नमन की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बाय द वे मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हुई रात को, वोमिट वोमिट सब कर दिया मैंने। उसके बाद ठीक भी हो गया, अभी आके खाना पीना खा लिया है, दवाई खा ली है, ऑब्वियसली पापा डॉक्टर हैं तो उन्होंने ठीक कर दिया था। तो अभी नमन को थोड़ा सा फीवर था सुबह, बट उसको मेडिसिन दी है हमने, अभी ठीक है। यहाँ पर लेटा हुआ है, यहाँ पर रेस्ट हो रही है हमारी, इधर बैठे हैं ये, फ़ोन चेकिंग, हमने थोड़ी फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी रेड आ रही है क्योंकि ऊपर टेंट ना रेड कलर के हैं, ठीक है। तो अभी मुझे आदत डालनी पड़ेगी यहाँ देखने के लिए, पहले मैं यहाँ देखती थी क्योंकि कैमरा वहाँ था, अब यहाँ देखना होगा कि कैमरा यहाँ पे है। तो ब्लॉगिंग के लिए मैं अपना फ़ोन ही यूज़ करूँगी हमेशा, ठीक है। तो अभी मैं ना स्टॉल वगैरह कुछ खुला नहीं, अगर आप देखना चाहते हो क्या क्या है, खाना है, चटकोरे लेने हैं तो मैं दिखा दूँगी आपको। तो अभी खुला नहीं है कुछ भी क्योंकि बारात अंदर आएगी तो उसके बाद ही खुलेगा, क्योंकि यह एक गाँव की शादी है तो मेनली उनके आने के बाद ही सारा कुछ होगा। वैसे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे मोस्टली लोग आ चुके हैं, यहाँ पे जो लड़की वाले की तरफ से वो वहाँ पे आपको दिखेंगे सारे। के बाहर बारात आ गई है, हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि नमन यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है तो हम लोग नहीं जा रहे। बाय द वे मेरे अपने बालों को ना कर्ल करना था पर वो नहीं हो पाया है बिकॉज लाइट चलेगी, मौके पे ही लाइट चलेगी। मैंने अपना स्ट्रेटनर बाहर निकाला कर्ल करने के लिए एंड लाइट वॉज गॉन, ठीक है। अच्छी लग रही हूँ क्या? बाय द वे अच्छा खासा मेकअप कर लिया मैंने आज, बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे ग्लोई ग्लोई सा लग रहा है, स्किन भी अच्छी हो रखी है, टेक्स्चर अच्छा है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, मस्त शादी है। कल की क्लिप्स आपने देख ली होंगी, मैंने ऐड कर दी थी, कब बहुत लंबा होने वाला मुझे लग रहा है वाला ब्लॉग। घर मैंने दिखाया नहीं आपको गांव वाला भी क्योंकि रात को तबीयत ना बड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं आपको वापस घर जाऊँगी ना तब अपना घर दिखाऊँगी, ठीक है। सिंपल सा है, बड़ा बहुत है बट सिंपल है, पर घर जाके आपको ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ से थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए हमको, ठीक है। बाय द वे मैं अपने जो इयररिंग्स थे ना बड़े वाले वो लाना भूल गई हूँ, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ मैं। जब डलोजी गई थी तो मैं अपने गर्म कपड़े भूल गई थी, इस बार मैं अपने इयररिंग्स भूल गई हूँ जो मैच करके मैंने पहने थे। ये मैंने सिल्वर रिंग्स पहनी, ये मेरी चांदी की ही है, ठीक है। ये दूसरी है नॉर्मल एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वन, ठीक है, अच्छी वाली है। बस ये पहना है मैंने और यहाँ पे वॉच सबसे फेवरेट है वो है मेरी ये ड्रेस और मेरी ये पाली, आई जस्ट लव इट, ठीक है। बहुत कंफर्टेबल है, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा बहुत हाइट में चलना क्योंकि मेरे हस्बैंड लंबे हैं तो उनके साथ थोड़ी बहुत हील पहनना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना, थोड़ा बराबर लगती हूँ नहीं तो छोटी लगती हूँ मैं। तो ठीक है, ओके, मैचिंग हो रखी है पूरी हमारी, सोचा नहीं था इतनी हो जाएगी पर हो गई है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मिल गए हैं दो चार, तो वैसे हम फूले नहीं समा रहे हैं, तो अभी बारात आती है तो आपको दुल्हन भी दिखाते हैं, ठीक है ना, कैसी लग रही है वो। अभी श्वेता नाम है उसका बाय द वे, सो मे भी वो भी ब्लॉग देखी, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ दुल्हन। सो गाइज ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड एंड ग्रूम, ठीक है, दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम सबको होती है, जूड़े पे अगर हाथ लगता है ना तो सबको दिखता है, ठीक है, चुभता है वो, एक्चुअली पिंच लगी होती है ना तो चुभती है। तो ड्रेस बहुत सुंदर थी, उसका लहंगा बहुत सुंदर था पिंक कलर का, एंड यस मैं यहाँ पे बैठ गई थी फिर आके और ऊपर गए थे हम लोग उससे मिलने के लिए, एंड यहाँ पे डांस वांस सब चल रहा था, ठीक है, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग। सो ये तो सब इंजॉय करते हैं ना, किसको किसको भी अच्छा लगता है मुझे बताना कॉमेंट करके। सो गाइज यहाँ तक तो बहुत अच्छे से गया सारा कुछ, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। हाय गाइज, सो आई एम बैक टू माय होम, ठीक है, आई एम सॉरी मैं आपको गांव का घर भी नहीं दिखा पाई बिकॉज नमन की तबीयत इतनी ख़राब हुई इस मोमेंट के बाद, जहाँ जो क्लिप आपने लास्ट देखी, हम लोग उसके बाद भाग के घर वापस गए हैं क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग और इमोशंस वगैरह स्टार्ट हो गए थे कि हम लोग खुद ही घबरा गए थे। क्योंकि पापा डॉक्टर हैं तो बिल्कुल उन्होंने वहीं से उसका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट कर दिया था, बट उसको इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी थी ऑलरेडी पेट में कि वो कंट्रोल नहीं हो रही थी दवाइयों से, वो कुछ खा रहा था निकल जाता था, खा रहा था निकल जाता था, तो दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही थी। तो फिर क्या हुआ कि वो पूरी रात हमने जो है ना वो इतनी परेशानी में निकाली है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी मेडिकेशन के बाद भी नमन को कोई असर नहीं हो रहा था, ठीक है,
बट बिकॉज़ पापा जो हैं वो ड्रिप नहीं लगाते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, वो अबाउट 63-64 हैं, तो वो बच्चों को ड्रिप नहीं लगाते हैं। और नमन को उस वक्त ड्रिप की ही ज़रूरत थी, क्योंकि वो कुछ ना तो ले रहा था, ना ही वो मतलब उसके अंदर डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम आ रही थी, बट ड्रिप नहीं लगने की वजह से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी उसकी। बट बिकॉज़ उसको इंजेक्शन्स वगैरह दिए जा रहे थे, तो उसकी वॉमिट वगैरह जो थी वो कंट्रोल हो चुकी थी, बट वो उसको जो इन्फेक्शन थी, वो जो स्वेलिंग उसको पेट में आ चुकी थी, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा जो था पेन हो रहा था, तो वो ड्रिप से ही कंट्रोल होने वाला था, वो वैसे नहीं होने वाला था, हमको भी पता था। तो हमने सिर्फ वेट किया कि हमारा जो दिन एक बार चढ़ जाए, क्योंकि गांव के बाहर निकलना पड़ता है, अगर आपको ये सब चीज़ें आपको फैसिलिटीज चाहिए तो आपको गांव के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो फिर हम मैंने सुबह उठ के फटाफट से मैंने सारा कुछ पैक किया, नहा के फटाफट से मैंने सारा कुछ पैक किया, एंड वी रश टू द डॉक्टर, ठीक है। एंड थैंक्स टू डॉक्टर अनेजा फ्रॉम अबोहर, अगर मे भी कभी वो ये वीडियो देखे तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू डॉक्टर, आपकी वजह से आई वॉज रिलैक्स्ड, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया, नमन की दादी ने कुछ नहीं खाया ढंग से, पापा इसके बहुत परेशान थे, मतलब मेरे जो ससुर जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी इतनी ट्रीटमेंट के बाद भी नमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज उसको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, ठीक है। दवाइयाँ डॉक्टर ने भी वही लगाई, वही इंजेक्शन लगाए, बट वो ड्रिप में लगाए, क्योंकि उसकी वेंस में जा रहा था, डायरेक्टली बॉडी में जा रहा था, तो उसको उस वजह से जो था वो फ़र्क पड़ा बाद में, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, क्योंकि नेक्स्ट डे, और अगली परेशानी मेरी क्या थी कि मुझे नेक्स्ट डे वापस आके नमन की एडमिशन भी करवानी थी। 10th of December को नमन की एडमिशन थी उसके नए स्कूल में, ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन से उसका नर्सरी से स्कूल स्टार्ट होने वाला था। सो हमें क्या करना था, मैं 3 बजे हम लोग वहाँ से नमन का जो था सारा प्रोसीजर जो था वो शुरू हो चुका था वहाँ पे ट्रिप वगैरह का, ठीक है, लेकिन हमें वापस आना था, और 5 से 6 घंटे का रास्ता आराम से है वहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको एक बॉटल लगवाई है वहाँ से, फिर हम सारी मेडिकेशन वगैरह लेके अपने साथ जो है वो कार में चले हैं, उसको अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पे उसका रेस्ट का पूरा बना दिया था, कार में एक बेड था जिसपे वो लेट जाए, सोचा तो यही था कि कार में ड्रिप लगाते हुए जाएंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ड्रिप हमें थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम आ रही थी, तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी एक दो बार जो है वो इंजेक्शन जा चुके हैं ड्रिप में, इसकी बॉटल वगैरह जा चुकी है एक, तो उसको उसकी वजह से नमन को थोड़ा सा रिलैक्स तो मिल गया था, वो सो गया था 1-2 घंटे के लिए, तो उसकी वजह से हम रास्ता काट पाए, ठीक है। उसको लेटा के ही हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि मैं अपना एक कंबल जो है वो साथ में लेकर के चलती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ, तो वही कंबल का वो हमने बेड बनाया और उसके ऊपर उसको लिटा दिया था, वो थोड़ी देर सोया, थोड़ी देर उसने बीच में उसने बनाना भी मांग लिया था, क्योंकि उसका जो मेडिसिन का असर जो था वो हो चुका था, तो थोड़ा सा मैंने उसको बनाना भी खिलाया, बट वो बहुत ज़्यादा हमारा जो बॉडी थी ना वो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी नमन की, वो स्ट्रेस की वजह से। सो नेक्स्ट जो था वो उसको घर लेके आए, 5.5 घंटे लगे हमें घर आते हुए, घर आने के बाद घर पे ड्रिप का पूरा इंतज़ाम किया गया, फिर से उसको 2 दिन तक ड्रिप लगी धीरे धीरे करके, उसको बॉटल्स का जो होता है ना वो पूरी बॉटल एक टाइम पे नहीं लगानी थी, थोड़ा थोड़ा करके लगानी थी, तो उसमें मैंने खुद उसकी ड्रिप में यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने इंजेक्शन जो थे वो इंजेक्ट करे थे, दवाइयाँ इंजेक्ट करी मैंने, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था फर्स्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि पापा का हाथ थोड़ा सा शिवर कर रहा था, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे करना पड़ा, ठीक है, इसलिए वो उसको सिरिंज नहीं लगा रहे थे, वो यहाँ पे उसको ड्रिप नहीं लगा रहे थे, तो बाद में भी वो मुझे दवाइयाँ भर के दे देते थे, वो पापा से डरता था, ठीक है, कि पापा आते हैं वो इंजेक्शन, क्योंकि पहले उस पापा ने उसको इंजेक्शन वगैरह दिए थे, तो वो डर जाता था जब भी पापा उसके पास आते थे, तो फिर जब मुझे ही उसके यहाँ पे जो थे वो इंजेक्शन वगैरह करने पड़े। देन नेक्स्ट डे नमन ठीक था, नेक्स्ट डे वो ठीक हो गया एंड सब लोग रिलैक्स हो गए, मम्मी पापा वैसे तो रहने वाले थे हमारे पास कुछ दिन, बट उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा, ठीक है, मेरी देवरानी की तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से उनको वहाँ जाना पड़ा, सो एनीवेज कोई बात नहीं, माँ बाप की ज़रूरत सबको होती है। सो अभी वो वहाँ पे हैं और नमन बिल्कुल ठीक है अब, ठीक है, बट वो जो स्ट्रेस होता है ना एक मदर के लिए,
मदर्स रिलेट कर पाएंगी, पेरेंट्स जो होते हैं वो रिलेट कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होता है, वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपका बच्चा कुछ खा नहीं रहा, आपके बच्चा बार बार बोल रहा है मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पोटी आ रही है, और एक बार नहीं 100 बार वो ये वाली चीज़ बोले तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। प्लस आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप खुद कुछ खा नहीं रहे हो, खुद की बॉडी काम नहीं कर रही, बच्चे को संभालना भी है और उस चीज़ को हैंडल भी करना है, उस चीज़ को ठीक भी करना है, ऐसा तो फटाफट से सारा कुछ ही हो जाए तो सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट होती है वो। ठीक है, बच्चे नहीं बीमार होने चाहिए किसी के, सारा कुछ मम्मियों को हो जाए बट बच्चे नहीं बीमार होने चाहिए। ठीक है, तो यस ये था मेरा खुशी और गम वाला, गम तो नहीं कह सकते चलो, पर परेशानियाँ आती हैं, बट ऐसी भी नहीं आनी चाहिए कि ज़्यादा ही बच्चा बीमार हो जाए। ठीक है, सो दिस वॉज माई होल जर्नी, बट सिर्फ यही है कि मैं आपको अपना घर नहीं दिखा पाई गांव का घर नहीं दिखा पाई, तो वो कभी मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट कभी जाऊंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ा घर है हमारा। सो यस दिस इज़ द व्लॉग गाइस, इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नमन के लिए बहुत सारी प्रेस कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।